क्यों बजा रहा है बाजा, क्या मिल रहा है तुझे बाजा बजाने से? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मंसूर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू वॉचिंग मी ऑन फेसबुक और यूट्यूब। तब सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क में हैं और दुनिया में जिस जगह पे भी, उनको जो है जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज 14 अगस्त है, तो मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार आज गाना शाना कुछ नहीं करते, आज थोड़ा सा ना टॉपिक को चेंज करके थोड़ा सा जो है फनी तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ना 14 अगस्त बड़ी यूनिक तरीके से मनाई जाती है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इस तरह का फन नहीं होता होगा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है 14 अगस्त मनाई जाती है, और ख़ास करके इस 14 अगस्त के ऊपर। इस दफ़ा तो साल जो है इन्होंने बैन किया बाजे को, और बहुत शुक्रिया जिसने भी ऑर्डर पास किया है, सीरियसली यार शुक्र है कि ये लानत जो है बैन हुई। लेकिन वो रात को उसी तरह स्टिल बज रही थी और हम लोग भी कहीं नहीं गए घूमने फिरने। तो मैंने एक चैनल देखा, वहाँ पे ना मैं वैसे ही फ़नी वीडियोज़ जो है सर्च कर रहा था यार रिव्यू करते हैं, तो एक चैनल मुझे देखा उसमें था फ़न विद बादशाह। उन्होंने ना बड़ी अच्छी बड़े मज़े की जो है ना शुगली वीडियोस बनाई हुई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार वाकई वीडियोस तो वाकई बहुत अच्छी बनी हुई हैं, तो चले इनकी वीडियोस देखते हैं। और पहली एक चीज़ जो है मैं इसमें डिस्क्लेमर में दे रहा हूँ कि ये जो है ना नॉन प्रॉफिटेबल जो है वीडियोज़ होती हैं, जितने भी मैं रिव्यू करता हूँ इनसे मैं ना कमाता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो पहले बता रहा हूँ कॉपीराइट मारने से बेहतर है कि पहले डिस्क्लेमर सुन लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलकर जो है इस वीडियो को एंजॉय करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह जो है 14 अगस्त मनाई जाती है। भाई साहब ये झंडा कितने का है? भाई कौन सा चाहिए, ये 500 का है, ये 1200 का है। 500 वाला ठीक है भाई, 500 वाला कर दो भाई। भाई झंडा रहने दो, झंडा दे दो। क्यों भाई झंडा क्यों नहीं भाई, वो हुकूमत ने पहले ही झंडा दिया हुआ है, झंडा ही दे दो आप। मुसलमान होने का अगस्त के महीने में पाकिस्तानी होने का एहसास होता है। और भाई जिस हिसाब से पाकिस्तानी आवाम 14 अगस्त को बाजे बजाती है, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था या फिर बाजा ही बेटा। तो बहरहाल दोस्तों फिर चलिए जश्न आजादी के इस मौके पर हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी मजाइया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चंदा बराए 14 अगस्त, सारे मेरे के 100-100 रुपया दियो, टिकटॉक के झंडिया लावनिया नाल तुन है के बाद जाई लाए दे। दोस्तों आप सबने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में हम आप लोगों को इस बात की मिसाल दिखाते हैं कि तोड़ा कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता। जरा आप लोग इस वीडियो में देखें कि इस बंदे को बाजा बजाने वालों से कितनी नफरत है। जश्न आजादी पर जरा आप लोग पाकिस्तानी आवाम के काम चेक करें, इस लड़के के ऊपर हरा और सफेद नहीं, ये वाली इस दफा मैंने भी जो है वो बहुत ज्यादा मीम्स देखी है जिसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के जो है झंडियां लगी हुई और बिल्स लगे हुए। बिल्स पाकिस्तान में वाकई इस दफा बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा, और इस दफा भी बहुत ज्यादा आए हैं, तो बस वो ठीक चीज दिखा रहे हैं। कलर करने की देर है भाई, झंडा बिल्कुल तैयार है। लोग हैं नो डाउट। और 14 अगस्त पर जो लोग अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाकर अंदर इंडिया के गाने सुनते हुए रोडों पर निकलते हैं, इस लड़की की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और गाड़ी के अंदर इंडिया के गाने सुनने वालों, वतन की हवाएं तो मैं दूर से डमूं कहती हैं। वैसे यार पाकिस्तानी आवाम के तो क्या ही कहने ना, अब जरा आप लोग इसी लड़के को ही देख लें भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इसने साइकिल के ऊपर झंडियां लगाई हैं या फिर साइकिल को झंडियों के अंदर फिक्स कर दिया है। यार वाकई ये बात वाकई है, पाकिस्तानी ना आवाम जो है सीरियसली बीइंग ए पाकिस्तानी हम लोग बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग बहुत टैलेंटेड है, और पता नहीं हम लोगों पे जो है ये कर्जा इतना कैसे चढ़ गया। सॉरी बीच में जो है स्क्रीन जो है वो अच्छा, बीइंग ए पाकिस्तानी ना हम लोग वाकई बहुत टैलेंटेड है इसमें नो डाउट, लेकिन यही सोचने वाली बात है स्कोप पे कर्जा इतना कैसे चढ़ गया बे। वाह इसी के घर में फिर 14 अगस्त मनाई जा रही है।
अब जरा आप लोग इन बच्चों के काम भी चेक करें कि जिन्होंने बाजी हाथ में उठाकर फुल जुलूस ही निकाला हुआ है पूरे मोहल्ले को सर पर उठाने के लिए। बहुत तंग हूँ भाई इनसे मैं, कल मैं भी बहुत तंग था इस चीज से, घर से कटे हुए इन्होंने बाहर। और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जरा आप लोग इस लड़के के काम भी चेक करें जो कि आप लोगों को बताएगा कि आखिर बाजा बजाने से क्या मिलता है। और भाई जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तानी कौम जुगाड़ वगैरह लगाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, तो जरा आप लोग यही वीडियो चेक कर लें कि इन लोगों ने बाजे को ज्यादा देर तक बजाने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है। बाजे ने बलून भर लिया उसने और उसको छोड़ दिया था। So you're applying for a job on crossover. Awesome. Here's what you need to know. There are 8 जिन भी लोगों को बाजे बजाते हुए देखा तो जरा आप लोग इस लड़के की बात भी सुने कि आखिर इसका उन लोगों के बारे में क्या कहना है। और 14 अगस्त पे बाजा बजाने से ग्रेस करें, आजादी का दिन है, आपकी बाजी का वलीमा नहीं। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, भाई पाकिस्तानी आवाम इन बिजली के बिलों से जितना तंग है इस बात का अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं। भाई जरा आप लोग इस बंदे का ये नगमा चेक करें। ऐसी चला या ना चला बिल तो तगड़ा ही आएगा, जितनी करे गा तू रोशनी, दौड़ता रहे मीटर तेरा बिल बिल बिजली का। और अगर आप लोग इस बंदे के काम भी चेक करें जो कि जिस स्पीड से उड़ते हुए आता है इंटरव्यू देने के लिए, सामने से ये सवाल सुनने के बाद कि आखिर 14 अगस्त को क्या हुआ था, उससे भी डबल स्पीड से ये वापसी भागता है। भाई साहब को लंगर की तो फुल इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये नहीं पता कि आखिर 14 अगस्त को क्या हुआ था। भाई साहब ने बादाम खाना छोड़े हुए हैं, भाई ये जब दोबारा खाना शुरू करेंगे ये तब बताएंगे कि 14 अगस्त नु होया किसी खाओ माँ कसम। वैसे यार ये वीडियो है तो थोड़ी पुरानी लेकिन ये वाकई वीडियो थी, ये वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने सोचा भाई ये तो दिखाना बहुत जरूरी है। ये सबसे ना अच्छी वीडियो थी, ये है तकरीबन 3-4 साल पुरानी वीडियो है और इसका ना सबसे फनी फैक्ट ये था कि ये रोड आपके अब्बा की है या अब्बा की थी या आपके अब्बू की थी, इसका कुछ बोला था ये बच्चा। बेटा क्यों बजा रहा है? मजा आया। और दोस्तों अब आप लोगों को ये दो लड़के बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान का असल मतलब क्या है। पाकिस्तान का मतलब क्या? जेबा पर ते लंदन जा। It's a politics. Okay. Move on. ये वीडियो एक मिसाल के तौर पर है कि जब पाकिस्तानी आवाम 14 अगस्त को घर पे कोई काम वगैरह कर रही हो और बाहर से अचानक बाजे की आवाज आ जाए तो अंदर कुछ इस तरह का सीन होता है। गाली निकलती है मुंह से। कि ये बंदा तो कोई चीज ही है, जिस तरह के बाजे बजाने के नए नए तरीके ये बताता है, भाई मुझे तो ये लगता है कि ये घर पर बैठकर भी यही सोचता होगा कि आखिर पाकिस्तानी आवाम को इस नेकी के काम पर किस तरह से लगाया जाए। मासूम बच्चे हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे, चले ये आखिरी वीडियो है इसके बाद में इसको एंड करते हैं हम लोग। बेटा एक बैग इसको लाना, अच्छा अल्लाह थोड़ा भला करे एक बैग तुझे इनू लाना, ठीक है ये ऑन हो गया, ये बाप प्यो तुम बहुत तंग नहीं करना, सिर्फ रात को चला के सोना है सुबह टाइम ना उठ के नु बंद कर देना। देखो चलें जी बस इतना ही बहुत है, ये जो है आज की वीडियो और सबको वही वाली बात है 14 अगस्त मुबारक हो। और थिंग इज कि यार वाकई पाकिस्तानी जो है ना आवाम बहुत टैलेंटेड है और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह की जो है 14 अगस्त मनाई जाती है ना उस तरह की कहीं पर भी मनाई जाती है, ये फैक्ट है। तो बस अपना ख्याल रखें, लोगों को तंग ना करें, लोगों के जो है कानों में बाजे ना बजाएं और आज जो है कोई अजम करें कि जिससे जो है आपके मुल्क को और आपको फ़ायदा हो।
उस चीज को लाजमी जो है अजम करके, उसका गोल करके, लाइक किस चीज को सेट करके कि यार मैंने ये करना है, मैंने करना और इस अपने जो है मुल्क के लिए करना है। तो बहुत अच्छा कंटेंट था नो डाउट। ये जो है चैनल था फन विद बादशाह, तो काइंडली 2.0.2, तो काइंडली इनके जो है चैनल के ऊपर जाके लाजमी ये वीडियोस देखें, और बहुत अच्छा जो है कंटेंट था नो डाउट पाकिस्तान के जो है ना लाइक रिलेटेड, 14 अगस्त जिस तरह मनाई जाती है। तो एट द एंड हम लोग, मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, और हमेशा पाकिस्तान इस दुनिया में, जब तक ये दुनिया हम हमेशा रहेंगे, एंड कोई पावर जो है हमें अनडू नहीं कर सकती। कायदे आज़म ने बिल्कुल ये ठीक बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस अपना ख्याल रखें और किसी को तंग ना करें आज के दिन। अल्लाह हाफिज़।